फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि वट इज द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स कि कैसे बॉन्डिंग इफेक्ट कर रही है आपके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड्स और कंपाउंड्स की सोलिबिलिटी आपस में कैसे डिफर करती है इसको हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स आपको एक बात पता होगी कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर ईजीली सोल्यूबल इन वाटर जबकि जो कवलन कंपाउंडस होते हैं देआर इन सोल्यूबल इन वाटर स्टूडेंट्स जो आयनिक कम्पाउंडस होते हैं वो इन सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक या नॉन एक्वा सोलवेंट्स के अंदर जबकि जो कुन कंपाउंड होते हैं ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सोलवेंट्स के अंदर ईजीली सोल्यूबल होते हैं स्टूडेंट्स हम एक बात याद रखेंगे कि जो डिसोल्यूशन होती है आयनिक कंपाउंडस की डिसोल्यूशन का मतलब है कि आयनिक कंपाउंडस कैसे अपने आयनस में कन्वर्ट होते हैं रिस्पेक्टिव कैटाइंस के अंदर और एन के अंदर वो तब कन्वर्ट होते हैं जब उनकी हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल होती है या ज्यादा होती है देन दैट ऑफ देयर लैटिस एनर्जी स्टूडेंट्स लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि उनको कंस्टिट्यूएंट्स आयंस के अंदर या तो कन्वर्ट करती है या उनको ब्रेक कर रही होती है तो वो एनर्जी जो रिलीज़ हो रही होती है उसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की कैपेबिलिटी होती है कि वो जितनी कितनी जल्दी के टायंस या एनायंस को आयनिक कंपाउंड्स के सराउंड कर सकते हैं और उनको सॉल्वेट या हाइड्रेट कर सकते हैं तो डिसोल्यूशन इसी नतीजे में होगी आयनिक कंपाउंड्स के केस में उसके अलावा स्टूडेंट्स जब हम कुन कंपाउंड की बात कर रहे होते हैं तो जो अट्रैक्टिव जो फोर्सेज होती हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की वो इनफ होती हैं यानी कि उनकी एनर्जीज इतनी ज्यादा नहीं होती यानी कि स्टूडेंट्स जो कुन कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली सॉल्युबल होते हैं अपने नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर उनको कोई एनर्जीज के इतने ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते उसके अलावा स्टूडेंट्स कोई भी कुवलन बॉन्ड वाटर के अंदर तब सॉल्युबल होता है जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनमुना एग्जिबिट कर रहा होता है स्टूडेंट्स सेकेंड थिंग ये है कि कुवलन कंपाउंड कोई भी कुलन कंपाउंड वाटर के अंदर उस टाइम सॉल्युबल होता है जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनमुना एग्जिबिट कर रहा होता है यानी कि जो कंपाउंड जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा यानी कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी होगी उसके अंदर उतना ही ज्यादा वो कोविलन कंपाउंड वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा फर्दर स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड हैं वो रिजिड होते हैं नॉन डायरेक्शनल होते हैं रिजिड और नॉन डायरेक्शनल क्यों होते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि आयन कंपाउंड्स एक नेटवर्क ऑफ केटाइंस एंड एन का मिलके बन रहे होते हैं फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड सीसीएम क्लोराइड केटाइंस और एन आइंस थ्री डी में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते इसलिए ये कोई भी स्पेस में ऑरिएटेशन नहीं दे रहे होते कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे होते ऑन दी अदर हैंड स्टूडेंट्स जैसे कि अभी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आपके साथ सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म का तो वो डायरेक्शनल नेचर कुवरेंट कंपाउंड्स की होती है क्यों क्योंकि वो नॉन रिजिड होते हैं और वही बात आ गई कि आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो आइसोमेरिज्म वेयर एज कुवरेंट कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म जैसे कि आप डायमिथाइल ईथर की केस में देख सकते हैं डायमिथाइल ईथर या इथेनॉल या अल्कोहल्स की केस में आप देख सकते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स जब हम आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये रिएक्शंस बहुत रैपिड होते हैं फास्ट पेस पे हो रहे होते हैं और स्टूडेंट्स जो टेंडेंसी होती है या स्पीड होती है रिएक्ट करने की उसको हम काइनेटिक्स बोलते हैं केमिकल टर्म्स के अंदर उसके अलावा स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह पता है कि जो कुन कम्पाउंड्स हैं दे आर स्लोअर टू रिएक्ट स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होते हैं और काफ़ी घंटे भी लग जाते हैं और कोवलेंट रिएक्शन होने में कवलन कंपाउंड्स के रिएक्शंस के दरियान स्टूडेंट्स आपको पता होगा ऑर्गेनिक रिएक्शन को बहुत टाइम लगता है क्योंकि उनको बहुत एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है स्टूडेंट्स फर्दर आपके पास एक एक्जाम्पल है कि कैसे आप जब सो सिल्वर नाइट्रेट का सोलूशन सोडियम क्लोराइड के सोलूशन में डाल रहे होते हैं तो कितनी जल्दी सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड्स खुद ही डिसोसिएट हो जाते हैं तो दे आर ऑलरेडी ब्रोकन जबकि कूलन कंपाउंड्स की जब आप रिएक्शंस की बात करते हैं तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है देन मेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है और एज अ रिजल्ट एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब हो रही होती है उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स अपनी सॉलिड स्टेट के अंदर अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के जबकि जो कुवलन कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के उसके अलावा स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड्स तब अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब वो अपनी सोल्यूशन स्टेट में होते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम एक डिफरेंस डिस्कस करते हैं छोटा सा मेटेलिक सॉलिड्स और कोवलैन नेटवर्क सॉलिड्स के दरम्यान स्टूडेंट्स इस डिफरेंस को हम डिटेल में चैप्टर नंबर सिक्स में डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैं आपको छोटा हिस्सा इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं स्टूडेंट्स ये इनफाइनाइट एरे ऑफ बॉन्डेड एटम्स के थ्रू बनते हैं यानी कि ये भी एक डेफिनेट नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि टाइन्स और एनाइंस के और मेटेलिक अफेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स जो कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं काफ़ी जॉइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ये भी इसी तरह बनते हैं और मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर और कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स के अंदर आप मॉलिक्यूल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे होते यानी कि उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते क्यों क्योंकि ये नेटवर्क की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर जितने भी मेटल्स हैं उनकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं जैसे कॉपर आ जाता है आपके पास एलुमिनियम आ जाता है टंगस्टन आ जाता है स्टूडेंट्स इनके अंदर हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है स्टूडेंट्स जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रही करी हायर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रही करी तो इसका मतलब ये है कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि एक मेटल आयन को या सफ़ेयर को कितने मेटल आयंस ने फर्दर सराउंड किया हुआ है जितने नंबर ने उनको सराउंड किया हुआ है वो उनको उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा मेटेलिक सॉलिड की केस में एक मेटल एटम को या सफ़ेयर को ज़्यादा एटम्स ने ज़्यादा सफ़ेयर्स ने सराउंड किया होता है तो मैं कह सकती हूँ कि मेटेलिक सॉलिड्स की केस के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है सिक्स होती है एट होती है ट्वेल्व भी हो सकती है इसके अलावा स्टूडेंट्स जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर इसी कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू काफ़ी कम होती है जैसे कि स्टूडेंट्स आप इन द केस ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट देख सकते हैं कि कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है यानी कि एक कार्बन को फोर एटम्स ने सराउंड किया हुआ है इसी तरह स्टूडेंट सिलिकॉन की केस में ये टू हो जाता है और फर्दर की केस में आप देख सकते हैं सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टूडे आई होप कि आपको मेरा बताया हुआ एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर सर साइनिंग ऑफ From tutorial.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah, face.